स्टूडेंट्स आई एम योर ऑनलाइन क्लास टीचर ऑन बिहाफ ऑफ आरबी स्टार अकेडमी एंड यूनिक स्टार अकेडमी फॉर क्लास फोर सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर. नाउ ओपन योर बुक्स एंड कम ऑन पेज नंबर 7. इंग्लिश ग्रामर की बुक खोलिए क्लास फोर्थ वाले और आइए पेज नंबर 7 पे. हम लोग जो है यहाँ पाँचवें तक का हमने कर लिया था अपने प्रीवियस वीडियो यानी पिछले वीडियो में. नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर नेक्स्ट दैट इज 6th पार्ट. ठीक है, रामायण द हिंदूज ऑफ होली बुक कॉमा द इज द. देखिए ये भी जो है सेंटेंस पूरा है वाक्य, मगर ये आगे पीछे करके लिख दिया गया ताकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाएं और इसको जो है करेक्ट करने के लिए आपको दिया गया, क्योंकि आप लोग पढ़ाई सही से किए रहेंगे तो सही से कर सकते हैं आप लोग. ठीक है, तो हमने पढ़ाया भी था उस हिसाब से. देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में द रामायण क्या हो जाएगा, द रामायण क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है. द रामायण इज द होली, यानी इज जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है, द होली बुक्स ऑफ द हिंदूज, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है, द होली बुक्स ऑफ हिंदू, यानी द रामायण इज द होली बुक्स ऑफ हिंदूज. अब इसमें क्या बोलेंगे हम लोग कि जो रामायण है एक किताब है, वो बहुत ही पवित्र ग्रंथ है. किसका, हिंदूज लोग का, यानी जो हिंदू लोग हैं उनका जो है पवित्र ग्रंथ क्या है, रामायण है. ठीक है, तो चलिए अभी 7th वाला करते हैं. नाइट कोल्ड ब्लू लास्ट विंड आ. अभी देखिए इतना अच्छा सेंटेंस है मगर इसको ऐसा उल्टा लिख दिया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा. ठीक है, अभी इसको चलिए हम लोग इसको सीधा बनाते हैं, करेक्ट करके बनाते हैं. तो देखिए लास्ट, देखिए कैपिटल है लास्ट का. देखिए हमने क्या बोला, सारे सेंटेंस का हमने देखा पहले लेटर जो है कैपिटल में रखा है, इसको याद रखेगा हमेशा, कभी भूलिएगा नहीं. तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, हमने यहाँ से लास्ट यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो लास्ट नाइट ब्लिव आ कोल्ड विंड फुल स्टॉप. अभी देखिए लास्ट नाइट ब्लिव आ कोल्ड विंड फुल स्टॉप, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि लास्ट ने मतलब पिछली रात हवा चली थी बहुत ही ठंडी, यानी पिछली रात बहुत ही ठंडी हवा चली थी. इसका कहने का मतलब ये जो आज है बहुत गर्म लग रहा है, यानी पिछली रात जो थी बहुत ही ठंडी हवा चली थी. ठीक है, ये हो गया हमारा 7th वाला. नाउ 8th, हैज सम ही मनी. अभी यहाँ पे देखिए हैज सम ही मनी, ये भी जो है इनकरेक्ट है, इसको जो हमें करेक्ट बनाना है. अभी आप लोग एक चीज़ देखे होंगे कि जो अपना जिसमें से हमें बनाने के लिए बोला गया, इसमें जो है कहीं कहीं देखिए कैपिटल लेटर में नहीं लिखा है. देखिए यहाँ भी कैपिटल नहीं लिखा है, यहाँ भी कैपिटल नहीं लिखा है, यहाँ भी कैपिटल नहीं लिखा है, यहाँ तो लिखा है, यहाँ भी कैपिटल, यानी जो है कहीं कहीं वो लोग सही से लिख दिए, कहीं कहीं नहीं लिखे. तो आपको देखना कि सेंटेंस का जो पहला वर्ड रहेगा या पहला उसका पहला लेटर जो रहेगा वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए. ठीक है, तो देखिए हमने क्या बनाया, हैज सम ही मनी. अभी इसको देखिए हमने जो है बनाया सेंटेंस, ही हैज सम मनी फुल स्टॉप. ठीक है, ही हैज सम मनी यानी उसके पास कुछ पैसे हैं. अगर इसको हम चाहते तो ऐसा बना सकते थे, ये दूसरा फिर इंटरोगेटिव का सेंटेंस हो जाता. कैसे, देखिए हैज जो है हैज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम पहले ले आते हैज, उसके बाद ही को सब्जेक्ट जो है हम दो बार दूसरे नंबर पर कर देते, तो क्या हो जाता, हैज ही सम मनी, क्या बोलते हैं इसको फिर, क्या उसके पास कुछ पैसे हैं. तो हमने वैसा ना करके हमने इस तरह से बना दिया. देखिए सेंटेंस जो है बनाना आपके ऊपर है, अगर आपके पास उतना है टेक्निक या मतलब नॉलेज तो आप कैसे भी सेंटेंस को बना सकते हैं, कोई भी गलत नहीं, सब सही रहता है. तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन वाला सेंटेंस ना बना करके बल्कि हमने यहाँ पे डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट वाला सेंटेंस बना दिया इसको. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ, ही हैज सम मनी यानी उसके पास कुछ पैसे हैं. चलिए 9th वाला देखते हैं अभी, वॉज टू टीचर सपना रूड हर. अभी क्या हो जाएगा, वॉज टू टीचर सपना रूड हर. अभी जो है इसको हम करेक्ट करके लिखते हैं. देखिए तो हमने देखिए सपना लिखा, सपने का हमने एस जो है कैपिटल कर दिया. देखिए सपना वॉज रूड टू हर टीचर, सपना वॉज रूड टू हर टीचर. अभी इसमें क्या हो जाएगा, देखिए सपना जो है मतलब उसके टीचर यानी जो उसकी अध्यापिका है, मतलब उससे जो है थोड़ा गुस्सा थी. ठीक है, यानी उसे इसीलिए बताया गया कि सपना वॉज रूड टू हर, यानी उससे जो है थोड़ा गुस्सा थी वो. तो वहाँ पर हमने जो है करेक्ट करके लिख दिया इसको, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया. चलिए नेक्स्ट, टू सिस्टर हैज सलोनी. अभी देखिए अगर आप लोग के पास करने की टेक्निक होगी तो हमने क्या बोला था कि पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समझने के लिए बहुत अच्छा, सब्जेक्ट हमें किसको बोलते हैं, कोई भी इंसान हो या कोई जानवर हो या कोई वस्तु हो. तो यहाँ पे हमें क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सलोनी एक इंसान है. ठीक है, सलोनी का नाम दिया गया है तो हमने यहाँ पे सलोनी को सबसे पहले उठा लिया. देखिए सलोनी लिख दिया हमने, फिर उसके बाद हमने क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब आएगा. तो देखिए यहाँ पे हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वेयर जो भी रहता है सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं. तो यहाँ पे हैज दिया हुआ हेल्पिंग वर्ब, तो सलोनी इसके बाद हमने हैज लगा दिया. देखिए सलोनी हैज, उसके बाद हमने क्या लगा दिया, टू सिस्टर्स. यहाँ देखिए टू लिख दिया और लास्ट में टू सिस्टर्स फुल स्टॉप. इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सलोनी हैज टू सिस्टर्स,
इसका अर्थ ये हो जाएगा कि सलोनी को जो है दो बहन है, यानी सलोनी के दो बहनें हैं। ठीक है, चलिए जो है हमारा ये पार्ट यहाँ 10 तक जो है हमारा 10 तक कंप्लीट हो गया है। हम अपने अगली वीडियो में जो है ये वाला पार्ट करेंगे कि मतलब ये पहचानना है कि कौन सा मतलब ये जो सेंटेंस दिया गया है कौन सा वाला सेंटेंस यानी जो है ये जो सारे वाक्य दिए गए हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, यानी ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है, या इंटरोगेटिव है, या अपना कमांड वाला इंपेरेटिव है, या फिर एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, तो ये वाला हम जो अपने अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।